जरूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारी पिछली वीडियो है वो आप देख पाएंगे और नोटिफिकेशन मिल जाता है इससे अगर आप टाइम हो गए तो। गाइस आज ये कबाब बनाने जा रही हूँ। ये चिकन का है और बहुत टेस्टी है। इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये हमने चिकन ले लिया था और सादा रूखा चिकन लिया था, इसमें कोई चिकनाई नहीं थी। और इसको एक घंटे पहले मैंने धो के और छन्नी में रख दिया था ताकि हमें ये इसमें से पानी निकला हुआ मिल जाए और ड्राई हो जाएगी। तो ये है चिकन की अनियन ले ली थी मैंने, मीडियम एक ले ली, इसको फाइन चॉप की। और ये हरी मिर्च है, 7 हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है ज़ीरा कुटा हुआ है, हालांकि मुझे भी इसको पीसना है। ये है लौंग और ब्लैक पेपर, छोटी इलायची, ये अनारदाना है। अनारदाना आप लाजमी डालें, एक्चुअली ये हम गरम मसाला इसके अंदर डाला है जो हमारा अपना बनाया हुआ है, और मैं इसमें सर्टिफाइड रहती हूँ खुद अपने हाथों से बना के। और ये है बादियान के फूल, ये सूखी धनिया है, थोड़ी रोस्टेड है और कुटी हुई है, इसे भी हमें अभी फाइन चॉप करनी है। ये है क्रश की हुई मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चने हैं भुने हुए हैं, इनको मुझे दोबारा से इसको पाउडर फॉर्म में लाना है। अंडा एक है, ये हमारे पास ये कोयला है जो अभी मैं दम दूंगी इसको। और ये है अजीनोमोटो, सॉल्ट मैं अपने मर्जी के मुताबिक अपने एज अ टेस्ट में डालूंगी, आप भी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, हर बार मैं ये बात बताती हूँ। चलिए हुई स्टार्ट लेती हूँ मैं। ये गरम मसाला, इसके अंदर हमने ये डाल देना है, चना डाल देना है। चना डाल के इसको हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। बर्न हो जाए अच्छी तरह से, रेड हो जाए, तो फिर मैं कीमे को दम पे रखूंगी। का ये मसाला है, गरम मसाला है, इसमें बादियान के फूल जरूर डालिएगा और अजीनोमोटो भी डालिएगा, क्योंकि इसमें डालने से बड़ी अच्छी स्मेल आती है। ये दम पे रखा जा रहा है, इसमें स्मेल आ जाएगी। ये रेशमी कबाब है, इसको इसी तरह से बनाया जाता है, चिकन का रेशमी कबाब। स्मोक आ जाए इसमें 10 मिनट्स के लिए, मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स के बाद। टाइम हो गया है, 10 मिनट्स हो गए, मैंने थोड़ा सा निकालना है ताकि हमारी बंद हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने डालिए ताकि हमारे हाथों में ये चिपके नहीं। सब्सक्राइब करें और जो हमारी पिछली वीडियो है वो आप देख पाएंगे और नोटिफिकेशन मिल जाता है इससे अगर आप सब्सक्राइब हमें करें तो। मुझे अपने गाँव में याद करिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबान है। और हमारी शाम की चाय और आप इसको डिनर पर भी ले सकते हैं क्योंकि ये कबाब है, दाल के साथ भी खाया जाता है। इसके साथ ही हमारा ज़्यादा कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। अल्लाह ने कहा।